हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश कुंदड़ और आप देख रहे हैं चैनल सोलर पंडित। याद रखिए, चैनल का नाम पंडित नहीं पंडित है। आज हम मेरा एक पुराना वीडियो आया था कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है मोदी जी ने, तो बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े उस प्रोसेस के लिए। लगभग आई थिंक 200 से 250 लोग मुझसे जुड़े इस बारे में बात करने के लिए कि मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। कुछ लोगों ने मुझे थोड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया कि ये सब स्कैम है और इसका कोई पैसा नहीं आने वाला है या बहुत सारी चीज़ें उसमें हुई। सो इसको स्टडी करने को प्लस एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ को स्टडी करने को थोड़ा टाइम लगा मुझे, बट ये स्टडी करके आज मैं आपके पास पूरा फाइनल पैकेज लेके आया हूँ। ये भी फाइनल पैकेज नहीं है क्योंकि इसमें आप स्टेट वाइज सिटी वाइज पॉलिसीज बहुत सारी चेंज होती है, बट एक मोटा मोटा अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं तो वोकल फॉर लोकल हो या उस सिटी के मैन्युफैक्चरिंग में जो बेनिफिट हम करके दे रहे हैं, हम जो रोजगार पैदा कर रहे हैं, ये सब के वजह से सरकार हमें क्या क्या बेनिफिट देती है ये हम अभी जानेंगे। ये पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ सोलर से रिलेटेड है, लेकिन अगर आप नॉन सोलर वाले भी हैं तो आप एक बार मुझसे बात कर सकते हैं इस बारे में। अगर मेरे पास कोई इसका सॉल्यूशन होगा, कुछ और भी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो मेरी एंसिलरी थी और मैंने साथ में स्टडी कर ली थी, बट मोस्टली मेरा फोकस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सोलर पे है। तो सोलर इंडस्ट्री में कैसे, किस टाइप की सब्सिडीज है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्रोसीजर है, कितने पीरियड में आता है, ये सारा का सारा अभी हम यहाँ समझते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्सिडीज, अगर आपका प्रोजेक्ट वो स्पेसिफाइड लोकेशंस पे है तो आपको स्टेट गवर्नमेंट ही 140% सब्सिडी देती है। 140% सब्सिडी यानी कि अगर आप 100 रुपये का प्रोजेक्ट लगा रहे हो उसका आपको 140 रुपये सरकार, राज्य सरकार वापस देगी। अब इसमें अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, कहीं प्लांट एंड मशीनरी पे मिलता है, कहीं लैंड एंड बिल्डिंग पे मिलता है, कहीं टोटल प्रोजेक्ट के भी मिलता है, तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसमें बनते हैं। जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो जितना आप रूरल एरिया के रूरल इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेंगे उतना आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। सेकंड, इसमें सेंट्रल सब्सिडीज आती है, जैसे राज्य सरकार देती है वैसे केंद्र सरकार भी इसमें कुछ सब्सिडी देती है। केंद्र सरकार जीएसटी के थ्रू, इनकम टैक्स के थ्रू इसमें सब्सिडी देती है, कई बार कैपिटल सब्सिडीज भी दे देती है। थर्ड, सोलर की जो स्कीम्स है, जो पुरानी और नई स्कीम्स है, इसमें कंसेशनल इंटरेस्ट रेट मिलता है अगर हम बैंक से फाइनेंस कराते हैं तो, प्लस हमें बहुत सारे अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम जाते हैं तो हमें इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है, खासा बेनिफिट मिलता है। तो ये बहुत सारे एडिशनल एडवांटेज है जो हमको मिलते हैं। ये सारे के सारे हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि आप समझिए मोर देन 100 टाइप ऑफ पॉलिसीज है, प्रोसीजर्स है जिसका स्टडी करके ये निकालना पड़ता है। तो हम एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में नहीं जा सकते हैं, पर मोटा मोटा आप ये समझिए कि 140% जैसे स्टेट का सब्सिडी है, सेंट्रल का सब्सिडी है जो 30% से 100% के बीच में है, और सोलर के जो स्कीम्स है, सोलर के स्कीम्स में आपको पैसा वापस नहीं मिलता है बट कंसेशनल रेट पे चीजें मिलती है। जैसे कंसेशनल रेट पे आपको लैंड मिल सकती है, कंसेशनल रेट पे आपको इंटरेस्ट बैंक से लोन मिल सकता है, तो ऐसे बहुत सारे कंसेशंस आपको मिल सकते हैं सोलर की स्कीम्स के अंडर। तो अब ये जानते हैं कि इस सब के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे पास पैसा होना बहुत जरूरी है। अगर आप बोलोगे कि नहीं पैसा तो हमको जो सरकार देगी या पैसा जो बैंक देगी तो उसके भरोसे ये प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। या तो आपका पैसा होना चाहिए, आपके इन्वेस्टर का पैसा होना चाहिए। पैसा नहीं होगा तो प्रैक्टिकली ये प्रोजेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये जो सब्सिडीज मिलती है ये सारी की सारी लंबे पीरियड के बाद आती है। इनिशियली आपको इसमें पैसा डालना पड़ता है, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग हर एक आदमी नहीं करता है। अगर शुरुआत में सरकार से पैसा मिलने लग जाए तो सभी लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। बेसिक गवर्नमेंट का इंटेंशन है कि रियल मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, इसमें कहीं फ्रॉडुलेंट के चांसेस कम से कम होने चाहिए, इसलिए पहले आपको पैसा डालना पड़ता है फिर उसको सरकार देती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका न्यू एंटिटी होना चाहिए। कोई भी एग्जिस्टिंग एंटिटी को तोड़ मरोड़ के, उसकी पार्टनरशिप को प्राइवेट लिमिटेड करके या ऐसा कोई भी प्रोसेस या एग्जिस्टिंग मशीनरीज को उठा के ले लेना तो इसमें आपको ये सब्सिडीज नहीं मिलती है। नॉर्मली गवर्नमेंट का टारगेट रहता है कि क्योंकि जो एग्जिस्टिंग यूनिट है वो ऑलरेडी सब्सिडी ले चुकी होती है तो अब न्यू यूनिट्स पे वो सब्सिडीज की जरूरत नहीं, फिर से डबल सब्सिडी देने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए आपकी न्यू एंटिटी होनी चाहिए, मशीनरी न्यू होनी चाहिए, प्लांट न्यू होना चाहिए, बिल्डिंग न्यू होनी चाहिए,
ये बेसिक आइडिया है। उसके बाद रेडीनेस टू एक्सेप्ट लोकेशन स्पेसिफाइड, आई एम सॉरी यहाँ पे एक्सेप्ट की स्पेलिंग गलत हो गई, एक्सेप्ट होना चाहिए ACCEPT, तो हम इसको पेन से सुधार देते हैं, एक्सेप्ट न्यू लोकेशन होनी चाहिए। तो मिट गया वो, एक सेकेंड, ठीक है जाने दीजिए इसको। आप एक्सेप्ट समझिए कि आपका रेडीनेस होना चाहिए कि कोई भी लोकेशन है वो लेने के लिए आपका रेडीनेस होना चाहिए। मतलब जैसे अगर आप मुंबई में बैठे हो तो हम बोलेंगे कि मुंबई में ये सब्सिडीज़ नहीं है, ये सब्सिडीज़ मुंबई से जब आउटर में है या थोड़ा सा 100 किलोमीटर दूर पे है, तो इतना दूर जाने की आपकी तैयारी होनी चाहिए। आप बोलोगे मैं अपनी सिटी नहीं छोड़ूंगा, तो आपको ये सब्सिडीज़ मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हर सिटी के हिसाब से सब्सिडीज़ वेरी करती है। जहां ऑलरेडी बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है वहां सब्सिडीज़ कम मिलती है, जहां ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है या ज़रूरत है जहां, तो वहां सब्सिडीज़ ज़्यादा देती है सरकार। उसके बाद गुड क्रेडिबिलिटी फॉर बैंक लोन्स, आपको बैंक लोन के बिना आप ये प्रोजेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अमूमन अगर आप सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग का प्रोजेक्ट देखें तो वो मोटा मोटा 30 करोड़ रुपए का आता है। तो 30 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, जो बड़ा प्रोजेक्ट है 100 मेगावाट का, उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाते हो तो डेफिनेटली आपको खुद के फंड से आप सफिशिएंट नहीं कर पाओगे, इसमें आपको बैंक की हेल्प लेनी पड़ती है। तो बैंक का लोन लेने के लिए आपको अच्छा क्रेडिबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ड्यूरेशन कितना है इसमें, एक ड्यूरेशन से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो सब्सिडी है ये, इसको हम या प्रोजेक्ट है इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक 5 करोड़ से छोटा प्रोजेक्ट और एक 5 करोड़ से बड़ा प्रोजेक्ट। तो 5 करोड़ से जो छोटा प्रोजेक्ट है उसमें नॉर्मली आपको बेनिफिट्स इतने नहीं मिलते हैं, कई बार मिलते भी हैं, डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे, बट 5 करोड़ के ऊपर है तो डेफिनेटली आपको प्रोजेक्ट में बेनिफिट बहुत है। बट 5 करोड़ के नीचे है इसके लिए आपको कोई कम बेनिफिट है, इसके कंपेरिजन में डेफिनेटली कम बेनिफिट है, लेकिन फिर भी वो बेनिफिट बहुत है। इन एनी के 100% से ऊपर ही बेनिफिट लाने का हमारा एफर्ट है। मतलब अगर आप 1 करोड़ रुपया लगा रहे हो तो आपको 1 करोड़ रुपया वापस सरकार से मिलेगा, इसका अश्योरेंस हम करते हैं, ओके। तो ड्यूरेशन जो है ये नॉर्मली 5 साल का रहता है, बट अप टू 10 साल आपको ये पैसा वापस आता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर इसमें ब्याज का कैलकुलेशन आपने नहीं किया है तो आपको कर लेना है। मतलब ऐसा है कि लेट्स से कि अगर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि हम 200% सब्सिडी आ रही है, हमको 200% सब्सिडी आ रही है, लेकिन अगर वो 10 साल में आ रही है तो ब्याज का कैलकुलेशन करके एक्चुअली उसका जो पीरियड होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, राइट? ओके, अब आपको बिजनेस रिक्वायरमेंट्स इसमें क्या क्या है। मार्केट फॉर सेल्स, आपको सेल्स का मार्केट बनाना पड़ेगा। आप इतना बड़ा सेटअप करोगे तो आपके पास बिजनेस ही नहीं है, तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डाल के इसमें यूज नहीं है। गवर्नमेंट का इंटेंशन यही है कि सिर्फ फैक्ट्री नहीं लगानी है, फैक्ट्री लगा के उसमें बिजनेस भी करना है। तो आपको एक ऐसा बिजनेस करना है कि जिसके लिए आपका मार्केट रेडी हो। तो नॉर्मली अगर आप ऑलरेडी सोलर इंडस्ट्री में हो तो इस मैन्युफैक्चरिंग में आओ, अगर आप एकदम भी नए हो तो किसी पार्टनर को लेके आओ जिसका बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट है। दूसरा रास्ता है, आपको सोलर के सेल्स के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं सोलर इंडस्ट्री में, सोलर इज माई पैशन के अजीत बहादुर सर है, मैं हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं सोलर इंडस्ट्री में। तो ऐसे जो अच्छा काम करने वाले इन्फ्लुएंसर, उनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हो, वो आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कस्टमर बेस, अब आपको समझना है कि कस्टमर और कस्टमर बेस में फर्क होता है। कस्टमर का मतलब होता है कि जो आपके पास आया, आपसे मटेरियल परचेस किया और चला गया, और कस्टमर बेस का मतलब होता है जो आपके पास आया, आपसे मटेरियल परचेस किया और फिर से मटेरियल परचेस किया, और ये ऐसा एक कस्टमर जो रिपीट बिजनेस ले रहा है, वैसे 100 सैकड़ों कस्टमर, तो आपका उसको बोलते हैं कस्टमर बेस बनना। क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप तो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन करते जाओगे, तो उसको कंटिन्यूअस सेल्स होना है। तो एज ए मैन्युफैक्चरर आपको ये याद रखना है कि एंड कंज्यूमर आपका कंज्यूमर नहीं होगा, क्योंकि सोलर जब इंस्टॉल होता है तो वो 25 साल के लिए इंस्टॉल हो जाता है। तो एंड कंज्यूमर आपका कंज्यूमर नहीं है, जो इंस्टॉलर है वो आपका कंज्यूमर है, ओके, वो आपका कस्टमर है, राइट? उसके बाद ब्रांड एस्टैब्लिशमेंट, आपको सोशल मीडिया सबसे चीप मेथड है अभी फिलहाल ब्रांड एस्टैब्लिश करने के लिए। तो सोशल मीडिया का यूज़ करके आप अपने ब्रांड को बहुत कम रेट में अच्छे से एस्टैब्लिश कर सकते हो। उसके बाद ये जितने भी एक्सपेंसेस जो भी डिस्कशन हुए हैं,
ये एक्सपेंसेस पे आपको कोई सब्सिडी नहीं है। ये ध्यान में रखना है कि आपको सब्सिडी बेसिकली दो टाइप पे मिलती है, या तो टैक्सेस पे और नहीं तो कैपिटल सब्सिडी मिलती है, जो आप बड़ा इंस्टॉलेशन का या इन्वेस्टमेंट का खर्चा करते हैं उस पे मिलती है। रनिंग एक्सपेंसेस पे नॉर्मल कोर्स में सब्सिडीज नहीं है। उसके बाद शॉर्ट शॉर्ट एडवांटेज कॉम्पिटिटिवनेस, इसमें मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग पैटर्न में आप जाने के वजह से आपको क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। जो फैक्ट्री ऑलरेडी लगी है और बहुत सालों से बिजनेस कर रही है, तो आप बोलोगे यार उनके साथ तो हमारा कंपटीशन हो जाएगा, तो उस कंपटीशन को हम मिटिगेट कैसे कर पाएंगे इन सब्सिडीज की हेल्प से। तो फर्स्ट थिंग, आपको फिक्स ओवरहेड पकड़ना ही नहीं है, या सिर्फ उसका जो ब्याज का फैक्टर है वही पकड़ना है। बहुत कम हमारा फिक्स ओवरहेड है, तो फिक्स ओवरहेड जैसे हम 30 करोड़ पकड़ते हैं, तो 30 करोड़ ना पकड़ते हुए हमको 3 करोड़ ही पकड़ना है उसका ब्याज का कैलकुलेशन, क्योंकि पैसा सरकार हमको वापस देने वाली है। तो बाकी कंपनीज जिन्होंने ये सब्सिडी का बेनिफिट अगर नहीं लिया है तो उनसे आप डेफिनेटली आगे चले जाते हो। सेकंड, जो बहुत पुरानी इंडस्ट्रीज है जिनको 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल के ऊपर हो गया, तो मैं अपने वेबिनार में हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि जियो ने जब इंटरनेट बिजनेस में या मोबाइल बिजनेस में एंट्री की, तब उनका 4th जनरेशन इंटरनेट चालू था और यूजर बेस बहुत बड़ा हो चुका था। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज था जियो के पास, क्योंकि उन्होंने 3rd जनरेशन में इन्वेस्ट नहीं किया, 2nd जनरेशन में इन्वेस्ट नहीं किया, 1st जनरेशन में इन्वेस्ट नहीं किया, कॉलिंग और मैसेज के वक्त अलग से इन्वेस्ट नहीं किया, वो सीधा 4th जनरेशन में आए और रेडी मार्केट को एस्टैब्लिश कर पाए। इसी तरह आपको भी ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपके पास एक रेडी मार्केट है, अभी मार्केट बहुत बड़ा है, मार्केट बहुत ओपन हो चुका है, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज इसमें बहुत ज़्यादा है, और आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ उतरोगे। अब जब आप उतरोगे तो आप मोनोपर्क के साथ उतरोगे, आप हाफ कट पैनल के साथ उतरोगे, आप ट्विन पीक पैनल्स के साथ उतरोगे, तो ये कम्पिटिटिव एडवांटेज आपको जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको पीछे करने में बहुत फायदा होएगा। सो यहाँ ये हमारा सेशन, ये जो पार्ट है ये ख़त्म होता है। मैं वेबिनार्स लेता हूँ, आप सभी को पता है, मैन्युफैक्चरिंग के वेबिनार्स अलग से लेता हूँ और बिजनेस के वेबिनार्स अलग से लेता हूँ। बिजनेस के वेबिनार्स ये फ्री है, टोटली फ्री है, इसमें कोई एक्सपेंसेस नहीं है, बट मैन्युफैक्चरिंग का जो बेसिक वेबिनार है, जो फर्स्ट वेबिनार है, वो हम फ्री लेते हैं। बट अगर आपको इसमें हमसे सब्सिडीज के प्रोजेक्ट करवाने हैं तो इसका हम कुछ ना कुछ फीस ज़रूर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा खर्चा, बहुत सारा रिसर्च और टाइम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, तो इसके लिए इसको फ्री में नहीं कर सकते। बट बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे बिजनेस के वेबिनार्स होते हैं या कोई भी कंसल्टेंसी है, मुझे नॉर्मली लोग फ़ोन करते हैं, तो मैं उसमें कोई भी चार्जेस नहीं लेता हूँ। तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, सारी बात समझ सकते हैं, मेरा नंबर हमेशा स्क्रीन पे मिलेगा आपको, तो आप बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कीजिए, और आपका कोई भी क्वेश्चन होएगा तो मैं बिल्कुल आंसर करने की कोशिश करूँगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच और बाय बाय।